आज हम एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पीसी असेंबल करने जा रहे हैं। हमने बड़े पीसी, छोटे पीसी, टेबल के अंदर पीसी, बाल्टी के अंदर भी पीसी असेंबल कर रखा है। बट मैंने सौरभ को प्रॉमिस करा था कि जब वो दिल्ली आएगा तब मैं उसके लिए एक पीसी असेंबल करूं। तो आज वो एक दिन निकालते हैं और पीयूष और सौरभ उनके लिए एक मस्त सा पीसी असेंबल करेंगे और मस्त मस्त चीजें करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। अब आ गए भाई नेहरू प्लेस सौरभ भाई के लिए कंप्यूटर के लिए। ओ पीयूष के लिए भाई, पीयूष ने बताया था उसको माइनक्राफ्ट वाला चाहिए। माइनक्राफ्ट वाला कोशिश करेंगे कोई डिजाइन डिजाइन करने की, बट एक्चुअल अच्छा सा पीसी तो गेम खेल पाए थोड़ा देखते हैं, असेंबल करेंगे या बना बनाया लेंगे। लेट्स गो। सौरभ भाई के लिए और क्योंकि भाई हमको भी थोड़ा सा अरे गलत पर्ची उठा ली किसी और की भाई एकदम सबसे तगड़ा वाला लिया भाई ने। बस थोड़े से गरीब हो गए हैं बस अब खून के आंसू रोएंगे रात में भाई, अब वेट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अब सारे कंप्यूटर के पार्ट असेंबल असेंबल होंगे भाई। अब मन को हमने मार लिया है, हमने ना बिल देखा, फिर हमने बैंक बैलेंस देखा, फिर हमने बोला बिना कंप्यूटर के भी चल ही रहा है। 16GB x 2, 1TB Gen 4, 4TB हार्ड ड्राइव, 1280GB। तो भाई अब जा रहे हैं पीछे की तरफ, भाई अब आ गए, असेंबल करेंगे धीरे धीरे, एक एक करके पार्ट लगाएंगे। हम करते तो 6 घंटे लगते, ये करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। भाई हो रही हमारी किडनैपिंग, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं वो नीचे। लाइट वाइट जलाने की दे रही है भाई। भाई कैसा लग रहा है पीछे असेंबल करा के? अच्छा लग रहा है, नंबरों के बीच घिर गए। टाइम बहुत लग गया यार। हाँ भाई टाइम, कितने मेगा हर्ट्ज रैम बता दो क्या है इसमें? रैम इसमें 32GB, 64 भी चलाएगी क्यों, चल जाती है, ऐड हो जाएगी बाद में तेरा मन करे। भाई ने पैक कर लिया, तो और भाई व्लॉग बनाते हुए वो यार फ्री में बॉटल मिल गया भाई। अरे मेरे को टोपी मत पहना के जाओ यार भाई। तो ये हमारा सामान और यहाँ पे इसके अंदर एक्चुअली असेंबल्ड हुआ हुआ पीसी है। और यहाँ पे एक्चुअली 2 मॉनिटर लिए थे, थोड़ा सा हमने कोशिश करी कि थोड़ा सा वैल्यू भी रखे और साथ साथ मतलब लाइक एक डिसेंट बिल्ड भी क्रिएट हो जाए। ये गेमिंग हेडसेट है, ये एक्चुअल कीबोर्ड है, ये माउस है, कीबोर्ड माउस डिसेंट डिसेंट, बाकी सारी चीजें मस्त है। बट लाइक जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो हमने एकदम टॉप ऑफ द लाइन नहीं यूज करी, यूज का गेमिंग चैनल आने वाला है अभी तो ले रहे हैं। इसके ना टेस्टिंग करें फिर आपको और अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने पूरा पीसी सेटअप कर दिया भाई, अलग अलग रंगीनी आ रही, तार भी चल रहे हैं व्हाइट रेड ब्लू ग्रीन सारे कलर एक साथ भाई, इतनी रंगीन है भाई होली पे भी मचाई थी हमने। ये GTA ऑनलाइन चला रहे हैं, इस पे ग्राफिक्स जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट हमने भाई जो मैक्स हो सकता था, हाई का भी एक्स्ट्रा हाई जो भी मिल सकता था, हमने सारी सेटिंग एकदम फुल पे कर दी है। और जैसे कि आप देख सकते हो गेम भाई मस्त चल रही है। अंकल को गोली नहीं मारी अभी, अभी जा रहे हैं कैश लेने, कैश है तो ऐश है, गोली वोली मारने की कोशिश करो, पहली बार खेल रहा है यार, मौत तो नहीं हो जाएगी भाई, प्लीज प्लीज मरने से बचा लो। ओ यार फेल हो गए हैं, बट फेलियर के हार नहीं मारेंगे भाई, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि देख सकते हो भाई जो ग्राफिक्स हमने फुल पे चला रखी है, बट गेम की स्टार्टिंग से भाई पूरा ही एक 60 FPS तक हमको आ रहा था। जब एक्शन बहुत ज्यादा होता है तो 2-3 FPS ड्रॉप करता है, बट उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं भाई, ये गेम इस ग्राफिक कार्ड को तंग भी नहीं कर पा रही है। माइनक्राफ्ट भी हमने थोड़ी बहुत खेल के देखी, ये वैसे माधव भैया बस तबाही मचा रहे हैं और यहाँ पे उछाला कूदा पेड़ को काटा, ओ पेड़ में भी गोली गोली मार रहा, ओ ये पेड़ तोड़ देंगे, ये क्या तोड़ रहा हूँ, ओ भाई माइनक्राफ्ट मेरे को नहीं आती खेलनी, बट मैं कमेंट्री मस्त करता हूँ। ये सेटिंग्स हैं, सेटिंग में नंबर नंबर ओके बढ़िया, ये कौन है, ये इंसान है भाई, ये किसी का मैप है हमने क्रिएट करवा था। जैसे कि देख सकते हो भाई हमने काफी तगड़ी रेंडरिंग करके देखी और जो ग्राफिक्स हैं वो टेक्सचर हैं कितनी तेजी से रेंडर हो पा रहे हैं भाई, और इतनी तेजी से इतनी हाई क्वालिटी के टेक्सचर्स रेंडरिंग करना भाई बड़ी बात है। बट इससे हमने और तगड़ी गेम भी चलाने का हमने डिसाइड कर लिया, ये है कंट्रोल। अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैं भाई क्या जोश में बोलता चला जा रहा हूँ, बट यहाँ पे माइक नहीं चल रहा तो इसलिए मैं बाद में बात कर रहा हूँ। सारी गेमिंग जो भी है हम 4K पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दीवारों पे आप टेक्सचर्स देख सकते हो, जो लाइट्स हैं नीचे, जो रिफ्लेक्शन है, जो लेफ्ट राइट में भाई शक्ल भी मैंने अभी दिखा दी, शक्ल भी दिख रही है, ये उछल कूद मचा लेते हैं भाई। ए ए अंकल जी कैसे हो, मुक्का मार देते अंकल जी के। अब हम चलाएंगे Assassin's Creed Valhalla, ये भी काफी तगड़ी गेम है, हाई इंटेंसिटी, इसमें पास सारा अंधेरा अंधेरा हो रखा है बट हमको उजाला चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हो भाई इसमें ऊपर की साइड भी एक फैन है, नीचे की साइड भी फैन है, पीछे की साइड पे भी फैन है, और ये सारी लाइट जो है इनको आप कंट्रोल कर सकते हो भाई, रेनबो करना है रेनबो कर लो, रेड ब्लू ग्रीन, और गेम के हिसाब से भी आप इनके कलर्स को चेंज कर सकते हो, जो काफी एक तगड़ी चीज है। बट जैसा आपका मन करे उस हिसाब से आप कलर्स इसके सेट कर सकते हो। हेलो और खेल लेते हैं, एक दो गोली और किसी की मार दी जाए, हमने FPS भी खेल भाई और एक थोड़ी मौज मस्ती वाली। तो सौरभ भाई का गेमिंग पीसी हो गया 100% रेडी, कैसा लग रहा है, दिखने में सही लग रहा है, मस्त इसके कलर चेंज कर सकते हैं, मजा आ रहा है।
कि भाई ये फाइनल पीसी हमने बिल्ड करा है। लक्ष्य भाई भी आ गए हैं साथ। लक्ष्य भाई कैसा लगा पीसी देख? इसमें बेसिकली हम चाह रहे थे कि लाइक बहुत ज्यादा पैसा भी ना खर्चू, बट एट द सेम टाइम एक तकड़ा सा पीसी बिल्ड हुआ। इसमें हमने फ्रंट की साइड पे एक लिक्विड कूलर लगा रखा और एक काफी तकड़ा सा ग्राफिक कार्ड। और इसमें एक चीज अगर भाई ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हें ढूंढने की कोशिश करो, हार्ड ड्राइव बताओ भाई। नहीं भाई नहीं मिल रही क्या? नहीं भाई ये पूरा ग्राफिक कार्ड है, बट इसमें हार्ड ड्राइव इसे नहीं दिख रही क्योंकि हार्ड ड्राइव इसमें छुपा रखी है। अगर ऐसे देखा तो ये वाला पीछे मोटा वाला पार्ट है ना, ये पीछे की साइड से छुपा रखा है। हमने एक्चुअली केस भी ये वाला थोड़ा ऐसे यूज करा था जिसके आर पार से दिख पाए, उसके साथ साथ काफी सारे ऊट पटांग आते हैं ऐसे खुले खुले वाले टाइप, उन सब में दिक्कत क्या होती है, वो इंडिया के बाहर मस्त काम करते हैं, बट इंडिया में भाई झाड़ू लगा रहा हूँ इसके अंदर। तो भाई गेम वेम चला के देखी, पीयूष ने भी खेली, हमने भी काफी बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत गेम टेस्ट टेस्ट करके देखी। बट हाँ सौरभ भाई आए थे मिलने लेने एक पीसी, हम जाते हैं इस वाली वीडियो को एंड करते हैं और बाकी सारी चीजें आपको आ जाती है। चलो बाय।